बड़ी उम्र के लोगों का इलाज करना फिर भी आसान है, लेकिन बच्चों के इलाज की बारी आती है तो अधिकतर बच्चे तो डॉक्टर के नाम से ही डर जाते हैं, और कई धोखे में उन्होंने इंजेक्शन देख लिया या उन्हें इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ गई, तब तब बच्चे के माता पिता भी हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन आज हम आपको बच्चों के एक ऐसे डॉक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जो बच्चों की समस्या का इलाज करने के साथ ही अपने अलग अंदाज में उनके डर का इलाज भी करते हैं। हम बात कर रहे हैं आगरा के रहने वाले बच्चों के डॉक्टर जे एन टंडन की। डॉक्टर जे एन टंडन पिछले 34 सालों से चिकित्सा के पेशे में हैं। बच्चों के डॉक्टर जे एन टंडन बच्चों से ऐसा बर्ताव करते हैं कि बच्चे को ये डॉक्टर की जगह किसी सामान्य अंकल की तरह लगे। बच्चे भी इन्हें डॉक्टर अंकल कहकर बुलाते हैं। इनके पास जब भी कोई बच्चा इलाज कराने के लिए आता है तो डॉक्टर जे एन बड़े ही चुलबुले अंदाज में बच्चों का इलाज करते हैं। उन्हें चॉकलेट टॉफी देते हैं, इससे बच्चों का डर भी खत्म हो जाता है। डॉक्टर जे एन टंडन की प्रसिद्धि ऐसी है कि 200 किलोमीटर दूर से लोग अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए उनके पास आगरा आते हैं। बच्चों के ये डॉक्टर सामाजिक गतिविधियों में भी रुचि रखते हैं, समय समय पर निशुल्क कैंप, सामाजिक जागरूकता के लिए काम करते हैं। आम दिनों में भी झुग्गी झोपड़ी में आने वाले गरीब और मजदूर लोगों के पास पैसे न होने पर डॉक्टर टंडन बच्चों के लिए इलाज के लिए खड़े रहते हैं। कोरोना काल में भी डॉक्टर टंडन ने दिन रात महीनों तक लोगों का मुफ्त में इलाज किया है। जब अभी कोरोना काल में लॉकडाउन लगा तो शायद बहुत कम डॉक्टर्स ने बहुत समर्पण के साथ काम किया हो, लेकिन निजी क्षेत्र में ये श्रेय मुझे जाता है कि मैंने पूरे लॉकडाउन में अपने निजी मरीजों समेत सभी मरीजों से एक भी पैसा चार्ज करे बगैर कई महीने तक फ्री मरीज देखे। और यद्यपि समाज ने बाद में मुझे सम्मानित किया, कभी आगरा रत्न की उपाधि से सम्मानित किया या तमाम संगठनों ने अलग-अलग प्रकार से अखबारों ने उसको प्रचारित किया बाद में, लेकिन मेरे अंदर एक अंदर से एक ऐसा जोश आ गया कि किलोमीटर्स लंबी मेरे निवास पर लाइनें लगने लगी और लॉकडाउन पीरियड में पुलिसकर्मी तक उन एरियाज में जहाँ से मरीजों को निकलने की अनुमति नहीं थी वो मेरे आवास पर आ जाते थे। मैं सुबह से रात तक जुट कर उनको महीनों तक देखता रहा और मुझे एक अपार संतोष मिला। बिना किसी प्रचार प्रसार के मैंने माध्यम को नहीं बनाया कि वो प्रचारित हो, लेकिन वो एक सेवा ने मुझे अपार संतोष दिया। चूँकि मैं सामाजिक संगठनों में, डॉक्टर्स के संगठनों में बहुत सक्रिय रहा हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष रहा हूँ, तो हमारी सर्वोत्तम जो वरीयता रही है, जो समर्पण रहा है, वो रहा है जन स्वास्थ्य। और आज भी मैं यही सपना पाले हुए हूँ कि एक आगरा में एक ऐसा आंदोलन शामिल हो जिसमें ना केवल बाल रोग विशेषज्ञ शामिल हों, चाहे वो मिलावटी भोजन का मसला हो, चाहे दूषित पानी का मसला हो, चाहे संक्रामक रोगों का मसला हो, चाहे बंदरों और कुत्तों से लड़ने का संघर्ष हो, चाहे वो एक ऐसा वातावरण तैयार हो जहाँ हम आगरा को स्वस्थ आगरा कह सकें स्मार्ट आगरा की बजाय, हाँ वो प्रयास करने की आवश्यकता है, एक समेकित प्रयासों की आवश्यकता है। उसमें एक बाल रोग विशेषज्ञ की तरह से एक आहुति मैं देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। इतना ही नहीं, जब 90 के दशक में पोलियो मुक्त अभियान की शुरुआत हुई तब भी डॉक्टर जे एन टंडन ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खुद डॉक्टर जे एन टंडन से ही सुनते हैं कि उन्होंने अभियान को सफल बनाने के लिए अपने स्तर पर क्या क्या प्रयास किए थे। जब पल्स पोलियो का अभियान शुरू हुआ तो तमाम चिकित्सकों को शासन से ये अनुरोध प्राप्त करने के लिए भी राजी करना मुश्किल हो रहा था कि यहाँ पे पल्स पोलियो हम पिलाने की सुविधा प्राप्त कर सकें। हमने यहाँ कैंप लगाया, टेंट तंबू लगा के लगाया, बच्चों को प्रलोभित करने के लिए उनको फलों का वितरण किया, उनको फ्री गिफ्ट बांटे। इस तरह से जब एक ही सेंटर में एक ही दिन में 2,000 बच्चे पोलियो की ड्रॉप पीने के लिए आए तो गति पकड़ी, समाज सामने आया, लोग सामने आए, चिकित्सक सामने आए, संगठन सामने आए, मिलजुल कर एक ऐसा प्रयास हुआ, चाहे वो विश्व स्वास्थ्य संगठन था या यूनिसेफ था या देश की सरकार थी या लोगों के अपने संगठन थे, कि आज हमको ये श्रेय प्राप्त है, हम दुनिया के उन देशों में शुमार हो गए कि हमने पोलियो से पूरी तरह से निपट लिए। डॉक्टर जे एन के बारे में कहा जा सकता है कि ये तन मन और धन से डॉक्टर हैं। खुद डॉक्टर जे एन कहते हैं कि वह बचपन से ही दाम की जगह नाम कमाना चाहते हैं, और आज वाकई डॉक्टर जे एन नाम कमा रहे हैं और लोगों की दुआ कमा रहे हैं। लोकल 18 के लिए आगरा से हरिकांत शर्मा की रिपोर्ट।